नितिन गडकरी जो कि रोड और हाईवेज के मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू के लिए जो है वो एक बड़ी घोषणा की है और इस घोषणा के बाद आप ये कहें कि नेशनल हाईवे से जम्मू एयरपोर्ट तक के लिए जो रोड की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी और कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर जो है वो आम जम्मू वासी को लाभ पहुंचेगा। ट्रैफिक का जो कंजेशन इस समय फेस करना पड़ रहा है उससे निजात मिलेगी और इसके अलावा जो यहाँ पर आने वाले लोग होंगे, टूरिस्ट होंगे, उन्हें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत इससे मिलेगी। लेकिन आम आदमी जो है जो कि जम्मू की सड़कों पर ट्रैवल करता है और विशेषकर कुंजवानी से वो ट्रैवल करता है एयरपोर्ट के लिए या फिर उस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट वो ट्रैवल करता है और ट्रैफिक जैम से जो है उसे दो चार होना पड़ता है, तो उसकी ये समस्या जो है ये बहुत जल्दी जो है ये हल होने वाली है। दरअसल नितिन गडकरी ने आज एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो जक यानी कि विजयपुर से कुंजवानी सेक्शन है नेशनल हाईवे 44 का, उसमें जो है वो विकास कार्य किया जाएगा। ट्वीट में उन्होंने लिखा, द प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जक विजयपुर कुंजवानी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 44 टू 6 लेन एक्सप्रेस वे स्टैंडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ कुंजवानी टू 4th तवी ब्रिज सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 144A टू 4 लेन NH स्टैंडर्ड्स हैज बीन अप्रूव्ड एट द रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ रुपीज 1917.32 करोड़। यानी के ये जो पूरा नेशनल हाईवे 44 है जग से कुंजवानी तक का, जिसमें कि उसे 6 लेन करना है एक्सप्रेस वे के स्टैंडर्ड में और उसी के साथ साथ कुंजवानी से 4th तवी ब्रिज में जो हाईवे का सेक्शन है नेशनल NH 144A, इनका जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा और इनके डेवलपमेंट को जो है जो पीछे होगा वो 6 लेन होगा और कुंजवानी से 4th तवी पुल तक जो है वो 4 लेन नेशनल हाईवे स्टैंडर्ड की जो सड़क है उसका जो है वो निर्माण किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव हो चुका है और ये न्यू जो रिवाइज कॉस्ट था उस पर इसे जो है वो अप्रूव किया गया और ये कीमत है 1917.32 करोड़ रुपए। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये भारतमाला परियोजना के तहत जो है ये जम्मू कश्मीर यूटी में जो है ये बनाया जाएगा यानी कि इस पर काम किया जाएगा। और उन्होंने नीचे लिखा है कि वंस कंप्लीटेड द स्ट्रेच वुड बूस्ट कनेक्टिविटी टू जम्मू एयरपोर्ट। तो जब ये स्ट्रेच बन जाएगा जो कि जक विजयपुर से लेकर कुंजवानी तक नेशनल हाईवे 44 है और कुंजवानी से लेकर जम्मू एयरपोर्ट तक जो है वो नेशनल हाईवे 144A है, पीछे जो है वो 6 लेन बनेगा और कुंजवानी से जम्मू एयरपोर्ट तक जो है वो 4 लेन जो सड़क है उसका निर्माण होगा जो कि नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड के मुकाबले की होगी। तो जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो सीधे तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उन्हें इसका जो है वो लाभ मिलेगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अगर कुंजवानी से एयरपोर्ट तक जो है वो 4 लेन हो जाती है और नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड की होती है तो जाहिर सी बात है उस पर ट्रैवल करने वाला हर एक शख्स जो है वो ट्रैफिक जैम से जो है वो बचा रहेगा और समय की बचत होगी और आप जो है वो कंजेशन फ्री जो है वो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर आता है और जम्मू की जो ट्रैफिक कंजेशन की इस समय स्थिति है उससे भी कहीं ना कहीं जो है उसे बहुत निजात मिलेगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म बूस्टअप के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस समय अगर आप जम्मू से कठुआ की तरफ ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में जो है वो आप देख रहे होंगे वहाँ पर काफ़ी सड़क का जो निर्माण कार्य है वो लगा हुआ है और वो काफ़ी रफ्तार के साथ जो है उसे कंप्लीट करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच नितिन गडकरी का ये ट्वीट आया और आपको बता दूं कि नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद LG मनोज सिन्हा के ऑफिस से भी जो है वो एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, दीज प्रोजेक्ट्स आर द रोड ऑफ JNK डेस्टिनी दैट विल एक्सेलरेट द डेवलपमेंट मीट एस्पिरेंट्स ऑफ पीपल एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ लिविंग। तो LG मनोज सिन्हा के कार्यालय से जो ट्वीट किया गया उसमें प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी का शुक्रिया किया गया। उन्होंने लिखा कि इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं ये यहाँ पर विकास को एक नया रफ्तार देंगे, यहाँ के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए ये उनमें और एडिशन करेंगे, यानी कि जीवन जीना ऐसी
योजनाओं के बाद जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि परेशानी जो है वो अगर आपको सड़क पर चलते हुए होती, अगर आपको ट्रैवलिंग में होती है, तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें जो है वो इससे डिस्टर्ब होती हैं, आपका समय बर्बाद होता है, आप बहुत सी परेशानियों से दो चार होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, या फिर क्योंकि एम्स की जो स्थापना है वो यहाँ पर होने वाली है, और अगर आप जम्मू से एम्स की तरफ निकलते हैं, तो आपको अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो फिलहाल नितिन गडकरी ने ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है कि जो जग से कुंजवानी तक का नेशनल हाईवे 44 का सेक्शन है वो 6 लेन होगा, और कुंजवानी से जम्मू एयरपोर्ट का जो नेशनल हाईवे 144A है वो 4 लेन होगा नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड का, और इससे जो है वो एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है जाहिर सी बात है वो नेशनल हाईवे 44 से भी सीधी जुड़ेगी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट होगा इस एयरपोर्ट तक की रोड कनेक्टिविटी में। नमस्कार।